हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन आईटी और विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। इन दोनों में से कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए और इसके ऊपर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आप एलडी में आईटी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, बट जहाँ पे आपको वीजीएस में कंप्यूटर में एडमिशन मिल रहा है और स्टूडेंट को कंप्यूटर का नाम पढ़ते ही वो कंप्यूटर में पहले जाते हैं और आईटी को सेकेंड प्रायोरिटीज देते हैं, तो ये मैंने एक देखा है। तो ये सवाल आपके पास से ही मुझे मिला है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फीडबैक वीडियो। तो इसी तरह से आपके जो भी टॉपिक्स है आप नीचे कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आज नहीं तो कल मैं बने हो सके उतनी जल्दी ट्राई करूंगा आपका जो भी सजेस्टेड टॉपिक हो, अगर अच्छा हो तो उसके ऊपर वीडियो बनाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू डेज पॉइंट इज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईटी इंजीनियरिंग वर्सेस वीजीईसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब बिफोर आई स्टार्ट वीडियो लेट मी कंपेयर बोथ ऑफ द कॉलेज। तो दोनों कॉलेज में प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों कॉलेज में 1500 रुपीज एक साल की फीस है, दोनों गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, दोनों कॉलेज यहाँ पे जीटीयू के अंदर आती है, दोनों में 90% सिलेबस सेम है, दोनों में ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा यहाँ पे सीट्स के मैट्राइसेस सेम है। तो अब मैं यहाँ पे सीधा एसीबीसी की वेबसाइट के ऊपर जाके आपको यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आईटी पे कहाँ कट ऑफ क्लोज हुआ है और एट द सेम टाइम वीजीईसी में आईटी के लिए कहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ है। तो देखिए 1088 यहाँ पे मैं इतना लाइन को पूरा कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं किसके लिए जा रहा हूँ, दिस इज आई एम गोइंग टू कंपेयर फॉर द एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आई होप एक्यूरेट डेटा आया हो तो अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेटा ले लिया है किसके लिए, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम। लेट्स डू द सेम विद द विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सर्च करना होगा विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और जिसके अंदर हम यहाँ पे लेके जाते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कट ऑफ को। तो अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और सेम इसी तरह मैं जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा है उसको यहाँ पे पहले उड़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें ये मेरिट इतना नहीं चाहिए, इसकी जगह पे मैं ये रख देता हूँ। सेम यहाँ पे हमें ये मेरिट नहीं चाहिए, इसकी जगह पे मैं ये रख देता हूँ। 41 पे भी ये नहीं चाहिए तो मैं इसको रख रहा हूँ, फिर 93 पे हमें ये नहीं चाहिए तो इसकी जगह पे मैं उड़ा के ये रख रहा हूँ और डायरेक्टली हम सीधा यहाँ पे इसके बाद जो सीधा है लास्ट में हम इतना ही रखेंगे, बाकी का सब कुछ उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ कट ऑफ यहाँ पे बनता है, नीचे वाला वीजीसी का है याद रखना और ऊपर वाला एलडी का। ठीक है, गिव मी वन मिनट, मैं सब कुछ आपको एक ही मिनट के अंदर सब कुछ सही करके दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे पढ़ने में, आप जब भी यहाँ पे समझने में जाओ आपको यहाँ पे इजी हो, आपको यहाँ पे तकलीफ ना हो। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस। ओके ओके ओके, एंड यहाँ पे हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए इतना ही। ओके ऑलराइट, तो अब यहाँ पे दोनों का डेटा हमारे पास आ चुका है। नाउ लेट मी टेक अ पॉइंट। तो ऊपर है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, यहाँ पे ब्रांच कौन सी रहेगी, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ब्रांच यहाँ पे रहने वाली है आपके लिए कंप्यूटर सॉरी आईटी इंजीनियरिंग और नीचे वीजीसी के लिए रहने वाली है यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आईटी पे कट ऑफ क्लोज होता है 1088 पे, कंप्यूटर पे यहाँ पे वीजीसी में कट ऑफ क्लोज होता है 1493 पे। इफ़ वी टॉक अबाउट दी एससी कैटेगरी, यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आईटी के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 4490 पे। सेम हम अगर इसी पॉइंट पे अगर हम वीजीसी की बात करें कंप्यूटर की, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्लोज होता है 5505 पे। अगर हम एसटी कैटेगरी की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे एलडी के अंदर 14,858 पे यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है, जबकि यहाँ पे वीजीईसी में कंप्यूटर ब्रांच के लिए एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 20,921 पे कट ऑफ क्लोज होता है। इफ वी टॉक अबाउट दी सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांच विच इज दी एसीबीसी ब्रांच की, जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट अपियर होते हैं, तो वो है यहाँ पे एलडी में आईटी के लिए कट ऑफ है 1981 पे और जबकि यहाँ पे कंप्यूटर में है 2468 पे। लास्ट का डेटा अगर हम कंपेयर करें तो वो है 773 TFWS के लिए और वीजीसी में है 1143। तो वीजीसी में यहाँ पे आपके लिए एडमिशन मिलना ज़्यादा इजी है इफ वी कंपेयर द आईटी ब्रांच विद द वीजीसी, बट स्टिल यहाँ पे अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 कंपैरिजन ऊपर की प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कौन कौन से, पहले तो हमने कॉलेज का ओवरव्यू देखा, उसके बाद हमने कॉलेज का कट ऑफ देखा। नाउ लेट्स फोकस ओनली एंड ओनली फॉर द प्लेसमेंट्स ऑफ वीजीसी एंड एलईसी आईटी। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि क्या यहाँ पे
जो एलडी का यहाँ पे आईटी का सेल है और एलडी का यहाँ पे कंप्यूटर का सेल है, दोनों के लिए सेम ही कंपनी आएगी कि दोनों के लिए डिफरेंट आएगी? मतलब कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपनीज कंप्यूटरों के लिए, कुछ लिमिटेड अमाउंट का ऑफ कंपनीज आईटी के लिए। तो इसका आंसर है कि देखिए यहाँ पे किस तरह से होता है कि जब भी यहाँ पे प्लेसमेंट होता है ना, कंप्यूटर आईटी दोनों के ब्रांच के लिए सेम ही कंपनी आती है। मान लीजिए कि ये बड़ा सर्कल है, ये कंपनी है, ये अपनी कंप्यूटर ब्रांच है और ये अपनी आईटी ब्रांच है। मतलब आईटी और कंप्यूटर के दोनों स्टूडेंट एक ही ब्रांच, एक ही कॉलेज की, एक ही आईटी कंपनी के अंदर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेसमेंट दोनों का सेम ही रहेगा। अगर हम एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कंप्यूटर ब्रांच की बात करें या फिर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का आईटी ब्रांच की बात करें, यहाँ पे एडमिशन दोनों में, प्लेसमेंट दोनों में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही देखने को मिल रहा है। दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। Now from this point, let me bring you to the concept and let me bring you to the comparison between LD College of Engineering and VGEC placement difference. तो अगर हम VGEC का placement की बात करें, पिछले कुछ time से VGEC में काफ़ी अच्छी अच्छी companies आई है और काफ़ी improvement देखने को मिला है placement के अंदर। अब आप बोलेंगे कि सर पर्टिकुलर कंप्यूटर की बात करो, तो कंप्यूटर में VGEC में मोर देन 90% यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे आपको 90% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी में एक बात यहाँ पे कंपेयर करूँ कि दोनों में कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सिमिलर इन द सेंस, जो कंपनी आपको यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर आईटी में देखने को मिलेगी, वही कंपनी मोस्टली यहाँ पे वीजीएसई में देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वही सेम कंपनी यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ एसोसिएट्स को हायर करेगी। इफ़ वी टॉक अबाउट द वीजीएसई, तो वो सेम कंपनी वीजीएसई के अंदर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हायर करेगी। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम एलडी और वीजीएसई का और प्लेसमेंट के ऊपर कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी कम होती है प्लेसमेंट के लिए एलडी के अंदर, जबकि वीजीएसई में डिफ़िकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। प्लेसमेंट में भी आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल जाएगा, बट प्लेसमेंट का डेटा ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं होता है वेबसाइट के अंदर, क्योंकि कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहती है कि उसके जो वेरियस कैंपस के अंदर वेरियस पैकेजेस दिए हैं वो बाहर पब्लिकली डिस्क्लोज हो, तो वो डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो, आई वांट टू सिलेक्ट देन माय 100% इज देन गो विथ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईटी ब्रांच। इफ यू आर नॉट गेटिंग एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईटी, देन यू कैन डेफिनेटली गो विथ अ वीजीएसई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल गो विथ द एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईटी ब्रांच एंड माय सेकंड प्रायोरिटी विल गो विथ अ विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स, देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड देर इज ऑल्सो वन टेलीग्राम ग्रुप आई हैव क्रिएटेड फॉर यू, इफ यू वॉन्ट टू जॉइन इट यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। ऑलराइट, सो या थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।